ओके एकदम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो BCOC 131, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे स्टार्ट करेंगे। काफी कॉमन एक क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि आपने 11th 12th में भी किया होगा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कौन लोग होते हैं और इनको वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती हैं, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग। आपको असाइनमेंट्स भी चाहिए तो असाइनमेंट्स मैंने दो पेपर्स के तो रेडी कर लिए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको अगर खुद के असाइनमेंट्स डाउनलोड करने हो तो आप कैसे करेंगे, आपको गूगल पर टाइप करना है इग्नू असाइनमेंट्स। आपको दिख रहा है स्क्रीन यस इग्नू असाइनमेंट्स? आपको टाइप करने के बाद आपको असाइनमेंट वाले पेज में आना है। इसके ठीक नीचे देखो आपको अपना असाइनमेंट स्टेटस चेक, ये भी एक कॉल एक क्या कहेंगे, ये एक लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट सबमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है। तो ये दोनों ओके लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला लिंक से आप अपना असाइनमेंट्स डाउनलोड कर पाओगे क्वेश्चन पेपर, दूसरे वाले लिंक से आपको जो है अपना स्टेटस पता चलेगा कि आपने असाइनमेंट्स जो है आपके सबमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपने अभी तक तो सबमिट किया नहीं है तो उसको चेक करके कोई फायदा नहीं है। असाइनमेंट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आपका है, ठीक है ना, आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो एक ऑप्शन आएगा ऊपर की तरफ बाईं तरफ में, दूसरे वाले कॉलम में BCOM G, है ना, दिख रहा है आपको? यस सर BCOM G में आपका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो है। BCOM G पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी सारे हैं सब यहाँ पे निकल करके आ गए। अब आपका सेशन जो है वो 23-24 का है, ठीक है, 23-24। ये लग रहा है कल रात में अपडेट हुआ है क्योंकि कल ये 22-23 शो कर रहा था। खैर इट्स ओके, आपका क्वेश्चन इसका मतलब जो है वो रेडी है, वो क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे देखो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर हैं, DEVAE 181, BCOC 131, 132 और BEGLA 135, ठीक है। ये 4 पेपर आपके सेमेस्टर 1 में है और सेमेस्टर 2 में ये सारे हैं, लेकिन सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए क्योंकि ये आपको कब देना है, ये आपको देना है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले, ठीक है। हालांकि वो डेट एक्सटेंड होगा सो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये 4 जो असाइनमेंट्स हैं इसके आंसर्स मैं आपको आज शाम तक आपको सेंड कर दूंगा, आप लिखना स्टार्ट कर देना एंड राइट इट बिफोर 30th ऑफ सितंबर, 30 सितंबर से पहले ही लिख लेना क्योंकि उसके बाद फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी कॉमन टॉपिक है और ये हमारे वेबसाइट पे ही मैं डायरेक्ट हूँ, अभी मैंने अलग से क्वेश्चन आपको नहीं कराया, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आ चुका है बट ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट से करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक होंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराऊंगा PDF के माध्यम से, वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। राइट नाउ वी आर डूइंग इट फ्रॉम आर वेबसाइट। आपको कॉमर्स की पाठशाला वेबसाइट में जाना है, जाने के बाद BCOM न्यू एंड ओल्ड के ऊपर क्लिक करना है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप नीचे की तरफ आओगे, आपको यहाँ पे BCOC 131 में देखो ब्लू कलर का एक हाइपरलिंक शो कर रहेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और आपका आंसर जो है निकल करके आ गया। ये एक्चुअली चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस नोट्स हैं, काफी पुराने ये नोट्स हैं जो मैंने रेडी करे थे 2-3 साल पहले, ये मैंने फ्री में अपलोड करके रखे हैं हमारे वेबसाइट पे, तो इसको भी फॉलो किया जा सकता है फॉर फर्दर स्टडी, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इसका टॉपिक हम लोग आज कर लेते हैं विच इज अबाउट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि जितने भी सारी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, चाहे वो जर्नल हो लेजर हो, अकाउंटिंग में यही सारी चीजें होती है ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें होती हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जहां से बहुत सारी जानकारियां जो है निकाली जा सकती हैं। तो इन सारी जानकारियों को निकालने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि कई लोगों को ये सारी जानकारियां चाहिए होती हैं, वो इसलिए चाहिए ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, वो इसलिए चाहिए ताकि वो लोग चेक कर सके कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या कंपनी ग्रो कर रही है या ग्रो नहीं कर रही है ना, कंपनी के ऊपर उधार कितना है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितने सारे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ
financial accounting information, and these financial accounting informations came derived from or came from the financial statements, which is trading and profit and loss account and balance sheet. दोनों ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके यूजर जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है वो क्या है, उसको चेक करने के लिए. टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ इट्स पास्ट ईयर, इस साल उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पास्ट ईयर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, वो यहां से पता चल जाता है ना. उसके बाद टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द सिमिलर एंटरप्राइज, इस साल जो आपका परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आपकी जो सिमिलर एंटरप्राइजेस है, जैसे कि सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, वही पर्टिकुलर बिजनेस कोई और कंपनी भी कर रही है, तो आप खुद को उस कंपनी के साथ कंपेयर करोगे कि आपका बिजनेस कैसा है और उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, राइट? तो ये भी किया जाता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ विच पीपल डू क्या कहेंगे इसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता उनको पड़ती है, ठीक है? अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? सबसे पहले यहाँ पे हो गए ओनर्स, ठीक है? ओनर्स कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस. ओनर्स क्या करते हैं, शुरू में आकर के कैपिटल लेकर के आते हैं बिजनेस में, और वो बिजनेस को सोलली वही लोग रन करते हैं, तो सारा का सारा रिस्क जो है वो भी उन्हीं का होता है. जस्ट अ सेकेंड. नेचुरली अब चूंकि उनका पैसा उस बिजनेस में लगा है, तो डेफिनेटली ये नेचुरल चीज है कि वो जो है अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, उसका बिजनेस कैसा काम कर रहा है वो उसको देखने की कोशिश करेगा. वही बात यहाँ बोली गई है, नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस एंड सो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि साल के अंत में, एक साल जब पूरा हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट जब स्टेटमेंट आपने तैयार किया, तो आपके बिजनेस का आखिर में प्रॉफिट कितना हुआ और आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये वो लोग जानने की कोशिश करते हैं. और ये नेचुरल चीज है, क्योंकि आप जब कहीं पैसे लगाएंगे तो आप डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पैसे काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनको आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? इफ हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू पेड मैनेजर्स, द ओनर्स ऑल्सो यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, है ना? तो यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं वो खुद तो बिजनेस चला नहीं रहे होते हैं, वो अपने मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं. तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा रन करेगा तो इसका मतलब आपका जो मैनेजर है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है. पर अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर आप अपने मैनेजर को चेंज भी कर सकते हो. तो जो मैनेजर का परफॉर्मेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे. Is that clear, Ritam? Owners वाला point clear है? Yes sir, clear. Perfect. Managers की तरफ चलते हैं. तो managers, जैसा कि मैंने आपको बताया, managers के ऊपर owners हैं. Owners को तो managers को तो ये चाहिए ही चाहिए कि वो अपने business को continuous check करते रहें. ऐसा नहीं कि yearly check करेंगे, continuous उसका performance check करते रहें quarter on quarter, ताकि वो अपने business को grow कर सके. ठीक है. नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंटेड बाई अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑफ इमेंस यूज ऑफ मैनेजर्स. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं इसके साथ जो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारी आसपास की जानकारियां होती हैं, जैसे कि आपके बगल वाले बिजनेस ने कैसा कैसा परफॉर्म किया, लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस कैसा था, आपका लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कैसा था, इस तरह की जो सप्लीमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, इसका जो यूज है मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा है. मैनेजर्स का यूज बहुत ज्यादा तरीके से करते हैं. इट हेल्प्स देम टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेल्युएट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ये हेल्प करता है मैनेजर्स को प्लान करने में, डिफरेंट पॉलिसीज स्ट्रेटजीज को प्लान करने में, उनको कंट्रोल करने में, और साथ ही साथ उनको इवेल्युएट करने में, जो ऑपरेशंस आप कर रहे होते हो बिजनेस में उसको इवेल्युएट करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है. दे ऑल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग. और उनको ये इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता, इसकी जरूरत जो है, जो नीड है, वो वेरियस डिसीजन मेकिंग करने में भी होती है, कि क्या किसी प्रोजेक्ट में अगर वो पैसे डाल रहे हैं, वहां से अगर उनको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं मिलता तो वो प्रोजेक्ट में वो पैसे नहीं डालेंगे. उनको डिसीजन लेना है कि मैं किसी और प्रोजेक्ट में पैसे डालूंगा जहां पे मुझे रिटर्न अच्छा मिल रहा है. सो देयर आर मल्टीपल और वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट दे नीड टू मेक, एंड दे डू मेक दोस डिसीजन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सो इसलिए उनको उसकी आवश्यकता है. मैनेजर्स हो गए. उसके बाद है लेंडर्स. लेंडर्स वो लोग होते हैं जो आपको उधार में सामान देते हैं,
जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा खरीदना पड़ेगा, तो आप रॉ मटेरियल किसके पास से खरीदोगे? आप अपने क्रेडिटर के पास से खरीदोगे जो आपको उधार में सामान दे। उस रॉ मटेरियल को आपको प्रोसेस करके आपको फिनिश्ड गुड्स बनाना है, और बना करके जब आप बेचोगे तो जो पैसे निकल करके आएंगे वो आप किसको दोगे? क्रेडिटर को दोगे। बिजनेस इसी तरीके से चल रहा है, बगैर लोन के कोई बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पॉकेट में उतने पैसे होंगे ही नहीं कि आप अपने बिजनेस को अकेले बड़ा कर पाए। दैट इज व्हाई पीपल बाय लोन, पीपल टेक लोन्स। आपने सुना होगा कि उसने इतने का लोन लिया, उसने उतने का लोन लिया और लोन लेकर के फरार हो गया, भाग गया, फरार हो गया, भाग गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज देयर फॉल्ट। बट बगैर लोन के बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक है? तो लेंडर जो हो गया वो हो गया। द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनिशियली। शुरू में तो ओनर्स के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है, बट लेटर ऑन व्हेन द बिजनेस ग्रोज दे नीड बैंक्स टू प्रोवाइड देम लोन। उनको बैंक्स चाहिए जो कि उनको लोन प्रोवाइड कर सकें, या ऐसे लोग चाहिए जो कि उनको उधार दे सके, ठीक है? बिजनेस रिक्वायर्स मोर फंड, दे आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर लेंडर मनी, ठीक है ना? यहाँ पे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मैं क्रेडिटर्स की बात कर रहा था जो आपको उधार में सामान दे रहा था, तो वो भी एक पार्टी है, वो भी आपको पैसे की जगह पे उधार में सामान दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है? तो वो भी एक पार्टी हो गया। यहाँ पे लेंडर्स में सिर्फ मनी लेंडर्स की बात की गई है, हालांकि लेंडर्स में क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। वेन एवर वी टेक दीज थिंग्स एज अ ब्रॉड, एज अ ब्रॉडर सेंस उसको यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग ही करना है। लेंडर का मतलब हो गया जो आपको पैसे उधार दे रहा है टू ग्रो योर बिजनेस, टू एक्सपैंड योर बिजनेस। बिफोर द लेंड मनी दे वुड लाइक टू नो द सॉल्वेंसी। जब वो आपको पैसे देते हैं तो वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपका सॉल्वेंसी कैपेसिटी कितना है, आप क्या वो पैसे रीपे कर पाओगे कंपनी को कि नहीं। अगर आपका कंपनी पिछले 2-3 साल से लॉस में है तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, बट अगर किसी बैंक को दिख रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो साल दर साल ग्रो कर रहा है, हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है 10% 20% के हिसाब से, तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आपका जो कैपेसिटी टू रीपे है या जो सॉल्वेंसी है वो कितना है। अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द लोन वेरी इजिली, और एल्स यू विल हैव टू सफर अलॉट। ये एक प्रॉब्लम है ऑफ द एंटरप्राइज। तो एज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट देयर मनी विल बी सेफ एंड दे कैन एक्सपेक्ट रीपेमेंट ऑन टाइम, ठीक है? तो वो लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको पता चल पाए कि उनका जो पैसा लगा रहे हैं वो लोग वो सेफ रहेगा, और उनका जो रीपेमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन पे टाइम पे हो जाएगा। जैसे आज अगर रीपेमेंट की बारी है, आप अगर 6 महीने बाद पैसे दोगे तो लेंडर को वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? उल्टा आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है उसके ऊपर, राइट? अगला पॉइंट है क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स आर द वंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको सस्ते में नहीं, उधार में आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करके आप मार्केट में सेल करते हो। फिर आपको जहां से पैसे मिलते हैं उसको डेटर बोलते हैं, और आपको जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, है ना? सिंपल सी बात है, जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट में प्रोवाइड करेगा वो क्रेडिटर्स कहलाएगा। लाइक लेंडर्स, देखो बोला गया लाइक लेंडर्स दे डू वॉन्ट टू नो अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। लेंडर्स की तरह वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी सॉल्वेंसी कितनी है, जो उधार में वो आपको सामान दे रहे हैं क्या आप उसके पैसे उसको टाइम पे लौटा पाएंगे या नहीं। दैट इज व्हाई दीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिटर्स ऑल्सो, ठीक है ना? सो एज टू वेदर क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड और नॉट। नाउ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स लाइक अस, ठीक है? सपोज उनका मार्केट में शेयर है और मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है तो मैं क्या करूंगा? मैं डेफिनेटली उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको चेक करूंगा। मैं अभी भी जब अपने प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करता हूँ एंजल ब्रोकिंग में, तो हमेशा मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका थर्ड 3 ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, या उसका बैलेंस शीट लास्ट ईयर का कैसा रहा है, वो मैं चेक करने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। सो दीज चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जो आगे जाकर के आपके इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कंसर्न, और अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी वुड लाइक टू नो हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट वुड बी। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कितना आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है या कितना मिल सकता है, वो प्रस्पेक्टिव बायर काफी ज्यादा सोचते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हो गई। अब देखो जब हम लोग इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है। उसी तरीके से जब बिजनेस का प्रॉफिट होता है, उनका इनकम होता है, तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो टैक्स अथॉरिटीज है वो भी नजर बना करके रखती है बिजनेसेस के ऊपर कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ है तो डेफिनेटली उनको टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए जो टैक्स अथॉरिटीज है वो भी मॉनिटर करती है डिफरेंट बिजनेसेस को, और कैसे मॉनिटर करती है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मॉनिटर करती है ना। टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल आर टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की टैक्स लायबिलिटी कितनी है, कितना उनको टैक्स पे करना है, ये चेक करने के लिए वो इंफॉर्मेशन उनको भी चाहिए होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, इंप्लॉइज। इंप्लॉइज को भी चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि मुझे उस कंपनी को छोड़ करके किसी बेहतर कंपनी को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, भले ही वहां पे सैलरी अच्छा मिल रहा हो आपको, जो कॉन्टिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका जॉब चला जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस में रह करके अपने इंप्लॉइज को पैसे नहीं दे सकती, सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो बिजनेस ही इवेंचुअली बंद हो जाता है। सो इट्स बेटर कि इंप्लॉइज शुरू से ही एक तरीके से सेट असाइड हो जाए, अलग हो जाए। सो इंप्लॉइज के लिए भी बिजनेस का हाल चाल चेक करना, उसका बैलेंस शीट चेक करना जरूरी होता है। द इंप्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर वर्किंग। ठीक है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, उनका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उनको प्रॉफिट होगा तो आपको सैलरी टाइम पे मिलेगा, उनको लॉस होगा तो फिर आप तो गए। सो एज टू नो हाउ सेफ देयर इंटरेस्ट आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका काम, जो आप काम कर रहे हो, जिस इंटरेस्ट के साथ आप काम कर रहे हो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटैक्ट है या नहीं है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वो चीजें प्रोवाइड करा पाएगी जो चीजें आप उससे पाने की सोच रहे हो। सैलरी ही टाइम पे दे दे तो वो चीजें आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज हम लोग आज का जो हमारा अगला जो क्लास है वो कल करेंगे हम लोग, कल सुबह 8 बजे। ठीक है रितम, ओके सर। रितम मेरे क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओनली, इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है आपका? सर सर ये तो सर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था ना। यस यस यस, थ्योरेटिकल है। अच्छा सर, तो मैथ्स किस दिन से शुरू होगा? मैथ हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में पहले क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट आउट कर लूं। देखो मुझे जो है पिछले ईयर का क्वेश्चन जो है उसको अलग मैं हमेशा करता हूँ, एक बार और मुझे करना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करूंगा और फिर उसके ऊपर करेंगे। ठीक ओके सर, है, सो उसका कल टेंशन मत लो आप, डोंट वरी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी कौन सा काफी ज्यादा। टॉपिक जी बोलिए। होगा सर? कल कौन सा टॉपिक होगा? कल BCOC 132 करते हैं। ठीक ओके सर, है, और जो बाकी का दो पेपर मैंने ओके अभी आपको दिखाया था ना असाइनमेंट का, वो हम लोग करेंगे नहीं, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उसको स्टडी ओके कर सर, लेना, उसी से हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। एंड कल ओके वाले क्लास में तो थ्योरी ही होगा, नेक्स्ट वाले जो क्लास होगा BCOC 132, आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट स्टार्ट कर दूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। ठीक है, सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ओके सर, है सर, ओके देन, कल मिलते हैं, बाय। सर बाय।